हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एमएसआई विवेकामृत में। ये एनसीईआरटी क्लास 10th के ग्राफ का पार्ट 3rd वीडियो है। इसमें एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 10 हैं। ये पता नहीं है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या इक्वल एक्स, लड़कियों की संख्या इक्वल वाई। प्रश्न से, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो लड़का और लड़की ही होंगे। लड़का यानी एक्स प्लस लड़की वाई, दोनों मिला के 10 के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन है। पुनः प्रश्न से सवाल क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या वाई लड़कों की संख्या एक्स से 4 अधिक है, 4 अधिक है तो इसको लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स अपने जगह पे रहेगा, एक्स वाई को इधर भेज देते हैं, 4 इधर आ गया तो माइनस में इसको सजा के लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस 4 इक्वेशन 2। चूंकि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, चेक करके देख लेते हैं। x के साथ यहाँ पे 1 है, यहाँ x के साथ 1 है, 1/1 इक्वल y के साथ 1 है, y के साथ यहाँ पे माइनस 1 है, ये दोनों बराबर नहीं है, 1/1 और 1/-1 बराबर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, इसलिए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। समीकरण 1 और 2 से चलते हैं पहले। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 10 और 2 है x माइनस वाई इक्वल माइनस 4, कट जाएगा x और x 2x इक्वल 10 में से 4 जाएगा माइनस 14, 2 × 7 = 14, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 × 3 = 6, एक्स इक्वल 3। एक्स का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जाएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल 10, एक्स के जगह पर 3 प्लस वाई इक्वल 10, वाई इक्वल 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। वाई का मान 7 और एक्स का मान 3, यानी विद्यालय में लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है और 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिए हैं। ये जो 3 और 7 मान आया है ये कटान बिंदु है, अद्वितीय हल, समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है, तो ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसके लिए समीकरण 1 का सारणी बना लेते हैं, एक्स और वाई का। समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई इक्वल 10, एक्स का मान यदि हम 4 देते हैं, एक तो जो कटान बिंदु आया है वो ले लेंगे, 3 आया है, एक्स का मान 3 देंगे तो वाई कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, y इक्वल 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। x का मान 4 दे देते हैं तो आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल 10, तो y इक्वल 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। अब x का मान 5 दे देते हैं तो आ जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल 10, यानी y इक्वल 10 माइनस 5, 5 आ जाएगा। समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 के लिए x और y का सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 था x माइनस वाई इक्वल माइनस 4,
ये भी हम ले सकते हैं y इक्वल, या तो इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, नहीं तो इसको भी रख सकते हैं, y इक्वल x प्लस फोर लिखेंगे, y इक्वल x प्लस फोर। जब हम x का मान तीन देते हैं, x का मान तीन देते हैं तो तीन प्लस चार इक्वल सात, y सात आ जाएगा। जब x का मान हम पाँच दे देते हैं तो y इक्वल पाँच प्लस चार इक्वल नौ। जब x का मान छः दे देते हैं तो y इक्वल छः प्लस चार इक्वल दस। दोनों समीकरणों के सारणी बन चुके हैं। y में अधिकतम 10 तक जाना है, जितना भी मोटा वाला लाइन है उस पर हम बिंदु अंकित कर लेंगे। 11, 10 एक दो नौ ये तीन, वाई अक्ष का सात ये तीन, और सात के सामने वाला लाइन इसका बिंदु ले लीजिए, लिखेंगे बिंदु ए, तीन और सात, चार और छः लेना है, चार और छः, बिंदु बी, चार और छः, पाँच और पाँच लेना है, पाँच एक्स अक्ष का पाँच, वाई अक्ष से पाँच, पाँच और पाँच। ये तीनों बिंदु मिला लिए हैं, समीकरण एक को लिख लेंगे। समीकरण एक है हमारा x प्लस वाई इक्वल दस। समीकरण दो का एक बिंदु तीन सात है जो यहाँ हम ले चुके हैं, दूसरा बिंदु है पाँच नौ, पाँच x अक्ष का पाँच, y अक्ष का नौ, पाँच और नौ के ठीक सामने लिख लेते हैं बिंदु D, पाँच नौ। एक और बिंदु है छः और दस, छः और दस, बिंदु E, छः दस। पहला बिंदु तीन सात, D पाँच नौ छः दस, ये इक्वेशन दो के लिए है। इसको मिला लेते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे। सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल माइनस चार। ग्राफ बन चुका है। क्वेश्चन नंबर एक का दो, पांच पेंसिल तथा सात कलमों का कुल मूल्य रुपए पचास है, जबकि सात पेंसिल तथा पांच कलमों का कुल मूल्य रुपए छियालीस है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक पेन का रेट मालूम करना है, इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य इक्वल एक्स रुपया, एक कलम का मूल्य इक्वल वाई रुपया, पांच पेंसिल तथा सात कलम का कुल मूल्य पचास रुपया दिया है। लिखेंगे प्रश्न से, पांच वो कलम है तो पांच एक्स, सात पांच पेंसिल है तो पांच एक्स, सात कलम है तो सात वाई, दोनों जोड़ के कुल मूल्य पचास के बराबर कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन। पुनः प्रश्न से, इस बार कह रहे हैं कि पांच सात पेंसिल और पांच कलम है, सात पेंसिल के लिए सात एक्स प्लस पांच कलम के लिए पांच वाई, दोनों मिला के छियालीस के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन, ए वन बाई ए टू
इक्वल बी वन बाई बी टू इक्वल सी वन बाई सी टू। ए वन यहाँ x के साथ 5 है, x के साथ 7 है, इक्वल y के साथ 7 है और y के साथ 5 है। तो ये 5 बटा 7 और 7 बटा 5 ये कभी बराबर नहीं हो सकता। लिखेंगे चूंकि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू, इसीलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और इसके लिए पहले हम कटान बिंदु ज्ञात कर लेंगे। कटान बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे समीकरण एक एवं समीकरण दो से। समीकरण एक में है 5x प्लस 7y इक्वल 50, दो में है 7x प्लस 5y इक्वल 46। तो ये कटने वाला नहीं है इसीलिए इसमें गुना कर लेते हैं 5 से और इसमें 7 से। 5 × 5 = 25, x 7 × 5 = 35, y 5 × 5 = 1, 0 7 × 7 = 49, x 7 × 5 = 35, y = 42 = 2, 4 × 6 = 28, 4 = 32। चलिए अब चिन्ह बदल लेते हैं, घटाएंगे तो यहाँ माइनस ही प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये 35 y कैंसिल हो गया। 49 में से 25 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, माइनस 24 x इक्वल, इसको घटा लेते हैं, 322 में से 250 जाएगा 2 7, यानी 72 आ जाएगा। माइनस में माइनस कैंसिल हुआ, 24 के पहला से काटेंगे, 24 × 3 = 72। x का मान फर्स्ट में किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, 5x + 7y = 50, 5 × x के जगह पर 3 + 7y = 50। 7y का वैल्यू निकालेंगे, 50 × 15 = 15 आके घट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में 15 × 15, अब घटाने पे 35 × 7 = 35, y का मान 5, अर्थात एक कलम का मूल्य है 5 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x = 3 आया है, एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपया। समीकरण एक का सारणी बना लेते हैं, समीकरण एक से इसके लिए x और y के मानों का सारणी बना लेते हैं। चूंकि समीकरण एक है 5x + 7y = 50, तो जब हम x का मान 3, एक तो जो मान आया है वही देंगे 3 और 5, x का मान 3 देते हैं तो 5 × 3 और प्लस 7y = 50, तो 7y = 50 माइनस 15 जाके घट जाएगा, 7y का वैल्यू आएगा 35, काट दीजिए 7 × 5 = 35। एक और मान -4 भरते हैं, -4 भरेंगे तो 5 × -4 + 7y = 50, 7y = 50 −5 = 20, तो माइनस इधर आएगा तो +20, 70 हो जाएगा, 7y = 70, कटेगा तो y का मान 10 आएगा। एक और मान भर लेते हैं x के जगह पर 10, जब x के जगह 10 भरेंगे तो 5 × x = 10 और प्लस 7y = 50, 7y का जब वैल्यू निकालेंगे 50 × 10 = 50, उधर जाके खत्म हो गया, y का मान आएगा 0। समीकरण दो से एक वही मान देंगे 3 और 5, 3 और 5 भर लेते हैं, समीकरण दो है 7x + 5y = 46, दूसरा मान देंगे -2 देंगे तो 7 × -2 + 5y = 46, 5y = 46 −7 × 14 इधर आएगा तो प्लस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5y = 6 × 10 = 60,
काट लीजिए, 12 आएगा। एक मन और भर लेते हैं, 8। 8 भरेंगे तो 57 है 56, 56 प्लस 5y इक्वल 46। जब 5y का वैल्यू निकालेंगे तो 46 में से 56 जाके घट जाएगा, 5y का वैल्यू आ जाएगा 10, काट लीजिए -10y = -2। तो मान तो भरा जा चुका है, सारणी में मान भरा जा चुका है, अब बस ग्राफ बनाना है। y में अधिकतम 10 तक जाना है, 12 तक। तो x और y अक्ष पे बिंदु अंकित कर लिया गया है। 3 और 5 लेना है, x अक्ष का 3 और y अक्ष का 5, 5 के ठीक सामने। x अक्ष का 3, y अक्ष का 5। x अक्ष में -4 और y अक्ष में 10, ये रहा -4, y अक्ष में 10। एक्स अक्ष पे 10, 10 यहाँ पे है 10। बिंदु सी 10 और 0 मिला लेते हैं इसको। ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन खींच लिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50। सेकेंड इक्वेशन का एक बिंदु 3, 5 मौजूद है। अब लेना है -2 और 12। x अक्ष का -2, y अक्ष का 12। बी सी डी मान लेते हैं, -2 और 12। एक और बिंदु है 8 और -2, x अक्ष पे 8, y अक्ष पे -2, नीचे आ जाएंगे यहाँ -2 के ठीक सामने, -2 के सामने 8 के नीचे आ जाएंगे। यहाँ लिख लेते हैं बिंदु E 8 और -2, मिला लेते हैं। बिंदु मिला लिया है हमने, ये ग्राफ के बिंदु A पर कट रहा है 3, 5 पर, यही कटान बिंदु है। सेकेंड जो हमने लाइन यानी रेखा बनाया है, खींचा है, उसके लिए ये इक्वेशन 2 रख देते हैं। इक्वेशन 2 है 7x + 5y = 46। ग्राफ कंप्लीट हुआ।